लो जी, अगले दिन की राइड शुरू कर रहे हैं। ये मेन हाईवे था और ये खाटू पीक के लिए अलग से रास्ता है जो कि 7.5 किलोमीटर का है, जिसपे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई बता रहे हैं। मेन रोड से ये थोड़ा सा अलग रास्ता भाई, जैसा कि आप देख रहे हो 6 किलोमीटर है। यह रास्ता केवल कार, जिप्सी या फिर छोटे व्हीकल के लिए, बड़ा व्हीकल लाना अलाउड नहीं है। दूसरे की जगह पहले गियर में चली जाएगी और इस तो बच्ची थोड़ी कुछ होगा। बस फिर क्यों टेंशन ले रहा है यार तू? बीच बीच में रोड ठीक भी था और खराब भी है। खाटू मंदिर यहां से रहता 3 किलोमीटर मात्र। राम राम जी, खाटू पीक पे पहुंच चुके हैं। यहां पे भी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। ये मेन गेट है, यहां पे हमने बाइक खड़ी कर दी है, गाड़ी भी खड़ी है। वैसे तो नो पार्किंग लिखा हुआ है लेकिन थोड़ी सी देर का काम है तो अंदर आ गए हैं। व्यू जबरदस्त है लेकिन पोक के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। तो भाई लोग, हम पहुंच गए हैं माँ हाटू के मंदिर में। अभी यहाँ से, ये पीछे मेन गेट है, यहाँ से अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो एक बार आपको पढ़ा देते हैं। मंदिर में चमड़े की वस्तुएं न ले जाएं। मंदिर परिसर के अंदर बलि देना कानूनी अपराध है। मासिक धर्म स्त्रियों का मंदिर के अंदर 9 दिन तक प्रवेश निषेध है। आरती का समय 7 से 8, शाम को 7 से 8। मंदिर में प्रसाद बनाने का समय है 7 से 12 बजे तक और भोजन अवकाश का समय है 1 से 2 बजे तक। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। ये सामने मंदिर है जैसा कि आप देख रहे हो। राम राम जी, मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। ये आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हो। अभी यहाँ से एक सामने एक पॉइंट है जहाँ पर फोटो लेते हैं और चलते हैं। यहाँ पर लोकल लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो ना, तो चमड़े का या जूते जुराब तक आप अंदर पहन के नहीं जा सकते, ऐसा ही कुछ सेम यहाँ पे है। डस्टबिन के लिए अलग बनाया गया है। लोकेशन ज़बरदस्त है। अभी फोक के कारण ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा नहीं तो ज़बरदस्त व्यू दिखता भाई। तो चलो देख रहे हैं एक दो पॉइंट, अगर फोटो के लिए कोई मिलता तो, नहीं तो भागते हैं। अभी 8 बजे हैं। फिर माँ खाटू मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, अब वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। सुबह आए तब कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी लेकिन अभी गाड़ी भी धीरे धीरे आने लग गई है और रास्ता सिर्फ इतना है कि एक गाड़ी ही आ सकती है, इससे ज़्यादा रास्ता नहीं है। कुल मिला के रास्ता अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा बीच में टूटा हुआ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप आराम से आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भगा ले भैया इसको। इतनी दूर तो मोड़ के लेनी पड़े, ट्रक है। लो जी, वापस मेन रोड पे आ गए हैं। बिल्कुल मेन रोड पे नहीं आ गए लेकिन वैसे मेन रोड पे आ गए हैं, जो अप्रोच रोड था उससे अलग आ गए। थोड़ी सी दूरी ये रोड अप्रोच और होगा क्योंकि गांव की तरफ जाता है। इससे आगे वापस हाईवे पे आ जाएंगे। अब ये मेन हाईवे पे आ गए हैं, नीचे जा रहा स्पीति के लिए और ऊपर जा रहा शिमला के लिए। ये अभी हम नारकंडा में है। अम्बाला 209 किलोमीटर, शिमला 64 किलोमीटर, तो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा शिमला के लिए लगेगा और फिर आगे चंडीगढ़ के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा और उसके बाद मात्र 5 घंटे के अंदर अंदर हम घर पहुँच जाएंगे। ये सामने मार्केट है, इसी में हमने कमरा ले रखा था। ये अपना कमरा भाई कुछ ऐसा, एक ये है, दूसरा ये है। 7 बंदे थे, 4 बंदे एक में, 3 एक में, 3 बेड पे, 1 नीचे, वो जी कुछ ऐसा है। फिर हमने ब्रेकफास्ट भी यहीं पर कर लिया क्योंकि तब तक हम ऑर्डर दे के अपना सामान फिट कर सकते थे बाइकों पे। लो जी, अभी नरकंडा से निकल रहे हैं। 11 बज चुके हैं, चारों तरफ फोग ही फोग दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा।
शुक्रा रोड पे नहीं है क्योंकि कल रात को आए तब भी फोग बहुत ज़्यादा थी रोड पे और सुबह भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी रोड पे नहीं है, साइड में है। व्यू देखो भाई, व्यू कुछ व्यू है, कुछ मौसम है क्योंकि रेड अलर्ट जोन कर रखा है 4 से 5 दिन का हिमाचल में। व्यू आप देख सकते हो भाई सामने कैसा है, बिल्कुल फोग ही फोग है, कुछ नहीं दिख रहा। जो शिमला है उसमें हमने एंट्री कर ली है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, किसी भी समय तेज हो सकती है, तेज होती है कैमरा अंदर। चंडीगढ़ 134, सोलन 55, शिमला 10। यहाँ से आगे से दो रास्ते हो जाएंगे, एक शिमला के अंदर से जाएगा, एक बार बाईपास जाएगा। तो अभी अपने आगे 2-3 भाई आगे निकल चुके हैं, वे कह रहे हैं कि शिमला में भी जाम नहीं है, तो शायद हम शिमला से ही निकले। जाम 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 जाम। लो जी शिमला देख लो, ये पूरा शिमला शहर है जो आपने अभी तक फोटो में देखा था, ये फोटो दिखता था जब भी आप शिमला सर्च करते हो। तो ये शहर का बाहर का एरिया है और ये रोड से हम अंदर है, अंदर इस तरफ रह जाएगा, हम बार बार निकलेंगे। अंबाला यहाँ से 134 किलोमीटर है, ठंडे एक नंबर की है, बाइक चलाने में मजा आ रहा भाई साहब। ये नहीं पता कितनी देर तक और आएगा क्योंकि जैसे ही हम शिमला को क्रॉस करेंगे, हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करेंगे, गर्मी हमारा स्वागत करेगी बड़े अच्छे तरीके से। बस फिर तो बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए, अगर बारिश नहीं आई तो लग जाएंगे भाई। 98 रुपये 50 पैसे 700 का कर दो बा। 5 बजने वाले हैं और अभी सोलन से जस्ट निकले ही हैं, 2 से 3 किलोमीटर आए होंगे। पीछे बारिश आ रखी थी इसलिए कैमरा बैग में रख रखा था। अभी हम 4 बंदे साथ में हैं, हमारे जो 3 साथी भी आगे जा चुके हैं हमसे 13 किलोमीटर आगे हैं। लो जी सोनल से निकलते ही आ गई है एक टनल। अभी भाई साहब इस टोल पे इतनी लंबी लाइन थी बस पूछो मत। कोई गाड़ी आएगी ना वो 1-1.5 घंटे से पहले बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, 1-1.5 घंटा तो कम से कम बताया है। हमारी बाइक को भी लगभग 10 से 15 मिनट लग गए निकलने में, तो समझ सकते हो कि कितना लंबा जाम होगा। हम तो साइडों से निकले हैं, घना जाम भाई घना। पिंजौर यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, अब जाम उतना नहीं है जितना पहले था, गाड़ी 50 से 60 भाग रही है। लो जी हरियाणा में एंट्री हो गई है, अभी पिंजौर पहुंच चुके हैं। यहाँ से 253 किलोमीटर रहता अपना घर, तो ये मान के चलो लगभग 5 से 6 घंटे और लगेंगे अभी, क्योंकि कम से कम 1 घंटा तो अभी खाना खाने में लग जाएगा। खाना खाएंगे अभी जीरकपुर के आसपास। लो जी अभी चंडीगढ़ भी क्रॉस कर लिया है, अभी जा रहे हैं अम्बाले की तरफ। यहाँ से 233 किलोमीटर और रहता अपना घर। मौसम अभी ठीक है, वैसे तो गर्मी फील हो रही लेकिन इतनी फील नहीं हो रही, और अगर और जल्दी आ जाते तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती, क्योंकि अभी लगभग 7-7:30 का टाइम हो चुका होगा। तो ये सामने था पहलवान ढाबा, यहाँ पर खाना खा लिया है पहलवान ढाबे पे, और खा के बताते आपको कैसा है। बहुत बढ़िया,
खाना खाने के बाद हमने एक ग्रुप फोटो लिया और सभी के साथ एक एक सेल्फी ली, क्योंकि अब यहाँ से सभी को अपने घर जाने की जल्दी थी। अभी यहाँ से जा रहे हैं, पहले रुकेंगे करनाल, उसके बाद मुरथा, अगर बीच में वो टोल टैक्स ना आए तो। लो जी, हरियाणा अंबाला आपका स्वागत करता है। अंबाला क्रॉस करने के बाद एक जगह हमने लड्डू खाए और दूसरी जगह दूध पिया, जो कि मान साहब ने हमारे लिए सरप्राइज रख रखा था। उसके बाद हम सभी अपने अपने घर की तरफ निकल गए।